इसलिए इस ग्रंथ का नाम रखा प्रेम संपुट। मैंने राधा जी के हृदय में जो समस्त है प्रेम है, उसी प्रेम की कथा इस ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद है वर्णन करें। और ये प्रेम ये तिजोरी के कौन खोलेगा, कौन ये स्वयं राधा जी ही उसको खोलेंगे है। ये कृष्ण स्वयं जो है एक देवांगना के रूप में है, देवांगना के रूप में आए हैं। देवांगना शब्द समझते कि नहीं, सुंदर एक स्त्री के रूप में आई है, वेश बना करके है। कृष्ण एक सुंदर है नवजीवित के रूप में राधा जी के पास आई है। और कृष्ण रूपी वो नवजीवित जो है राधा जी की प्रेम के बारे में ये समस्त पूछने आ गया। यहाँ पर वर्णन होते, पहले श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं। ये प्रात कदाचित उरीकृत चारु राम वेशो हरि प्रियतमा भवन प्रधाने गत्वा रांसु सुकौतेन विधाय वक्त्रम निजेन लोचन युग सहस्रावस्थे सहस्रावस्थे। यहाँ पर अर्थ यह है संस्कृत का, प्रीति का एक असाधारण स्वभाव होता है कि प्रणयी के मानी प्रेमिका के मुख से नायक की प्रीति का अपकर्ष व तुच्छता तथा नायिका की प्रीति का उत्कर्ष श्रेष्ठ श्रेष्ठता श्रवण करने की लालसा नायक के हृदय में स्वत ही जागृत होती है। जैसे काल मैंने काल न काल कहा था ना, ये अर्जुन साधु वेश में आया है, साधु वेश में आकर के द्वारकापुरी में रहने लगे। और सुभद्रा बचपन से ही कृष्ण की ध्यान आदि करते थे, तो एकांत तो बगीचा में जब सुभद्रा कृष्ण से मिले तो सुभद्रा सुभद्रा अर्जुन से मिले, कृष्ण से अर्जुन से मिले एकांत स्थान में, अर्जुन से मिले। सुभद्रा पहचान नहीं पाई ये यही अर्जुन है, वो सोचता ये साधु है। तो सुभद्रा यह पूछने लगे, आप तो संत महात्मा बहु स्थान से भ्रमण करके आ रहे हैं, क्या आपने कभी अर्जुन के देखा है? यदि देखे हो तो उसके बारे में कुछ हमें सुनाइए। देखो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया, बोले मैंने तो देखा किंतु उससे कोई गुण मैं नहीं देखा है। तात्पर्य क्या है, अर्जुन सुभद्रा के मुख से अपने महिमा को सुनना चाहते है। और अपना क्या है अपकर्ष, अपकर्ष माने अपनी जो कमी जो है
है वो बन बोलने लगे। प्रेम के विषय उसी प्रकार और नायिका की क्या होता है, नायिका की प्रतिक्रिया उसी प्रकार जो है नायक के मुख से अपने उत्कर्ष का श्रवण करना चाहते हैं। ये है प्रेम की एक विशेष स्वभाव है, अपना उत्कर्षता व श्रेष्ठता नहीं बोलते। शास्त्र में इसलिए माना किया गया कभी अपने आप को प्रशंसा न करें, जिसे संस्कृत में कहा जाता आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा माने अपना प्रशंसा अपने करना नहीं चाहिए। जो अपना प्रशंसा अपना ही करते हैं उससे कभी कभी लोग हंसी भी हो जाता है, आया समझ। तो देखो ये कैसे दाम्भिक है, बड़ापन अपने कर रहे हैं, बड़ापन शब्द है, मैंने ये किया, ये अपने बड़ापन व अपने महिमा को करना नहीं चाहिए। दूसरे करें, दूसरे उनके जो है महिमा को गाए, वही जो है अच्छा होता है। कि यहाँ पर जैसे प्रेम राज्य में उसी प्रकार भी है, इसलिए कहते हैं प्रीति का एक असाधारण स्वभाव यह होता है कि प्रणय यानी प्रेमिका के मुख से नायक की प्रीति का अपकर्षवाद तुच्छता तथा नायक की प्रीति का उत्कर्षता श्रेष्ठता श्रवण करने की लालसा नायक के हृदय में सतही जागृत रहती है। रससाधन की लंपट ब्रजनंदन श्याम सुंदर उसी स्वभाव के वशीभूत होकर एक दिन प्रातःकाल एक मनोहारिणी अपूर्व सुंदर रमणी का वेश धारण करके विशोभानु दुलारी श्रीमती राधे के घर में के प्रांगण में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने मुखकमल को अपने अरुण वस्त्र के ढक रखा था तथा लज्जाजुक्त भाव से अपने नयन जुगल को झुकाकर सहसा वहाँ खड़ी रहे। अर्थात स्त्रियों की यही स्वभाव होता है। कृष्ण जो स्त्री वेश धारण करके आई हैं, और कृष्ण स्त्री वेश धारण करके क्या कर रही है, न स्त्रियोचित तो जो स्वभाव को प्रकाश कर रहे हैं। स्त्रियों की सबसे अलंकार क्या है, ऑर्नामेंट्स क्या है, नारीनां लज्जा भूषणम। नारियों की व स्त्रियों की जो है सबसे भूषण जो है अलंकार क्या है, लज्जा है। कृष्ण उसी प्रकार है, मैं अत्यंत लज्जित हो गए और सिर पर घूंघट देते हुए और अत्यंत विनम्र होकर के नतमस्तक होकर के और आँखों के नीचे की तरफ रख करके इसे कहते हैं नन जुगल के झुककर सहसा वही खड़े हुए। एक साहबिकी होता है और एक आर्टिफिशियल होता है, जो स्त्री नहीं है उनको क्या करना है, बनावटी करना पड़ता है, है कि नहीं। और जो स्त्री है वो स्वाभाविक जन्मगत सिद्ध सता सिद्ध है, है? एक व्यक्ति के जन्मगत सिद्ध और एक कोई बनावटी करके लोग दिखाते हैं किसी किसी वस्तु के जो है उसमें फर्क पड़ जाता है। किंतु कृष्ण में ये वस्तु जो है एक अलौकिक है, है कि नहीं। जैसे
आप लोग देखें यात्रा थिएटर व नाटक अभिनय लोग करते हैं है? उसके एक पुरुष के यदि स्त्री बना दिया जाए है तो वो तो आर्टिफिशियल रूप में करते हैं है? किंतु कहीं नहीं कहीं उसके जो है स्वभाव क्रिया आदि को लोग पकड़ लेते हैं, आया समझ में है? कई कई पेपर में भी ऐसे आते हैं है? एक जो है इंडियन जो है वो एक फर्जी पासपोर्ट बना लिया है और फर्जी पासपोर्ट बना करके उस स्त्री बेस में जो ये इंडिया से जाना चाहते हैं। फर्जी पासपोर्ट बनाया किसका? विदेश का है तो इंडिया है तो फर्जी पासपोर्ट बना करके वो ये और ये बनाया कैसे? स्त्री वेश बना दी है। एक लड़का था वो है किंतु उसे इमिग्रेशन जो है इमिग्रेशन में उसको पकड़ लिया है, है? क्योंकि उनकी बाहर की जो क्रिया आदि जो है देख रहे कभी आर्टिफिशियल लगते है। एक साहबी की होता है एक आर्टिफिशियल होता है बनावटी होता है, है? बनावटी में क्या होते है अधिक दिखाते हैं वो, समझ में आ रहा है? जहाँ पर बनावटी होता है वो अपने को गोपन करने के लिए वो अधिक रूप में वो भाव को दिखाते रहते है। ठीक इसी प्रकार भट कृष्ण में ही एक विशेष वैचित्र दिखा रहे हैं। कृष्ण में ये नहीं है बनावटी नहीं है दिखा रहे हैं। क्यों? भगवान है वो, भगवान है सब प्रकार की वेश धारण करने में समर्थ है, है? जीप में बनावटी करके जो होता है उसको आर्टिफिशियल करने पर उसके अस्वाभाविकता आ जाता है, किंतु भगवान में ऐसे नहीं हो, समझ में आ रहा है? समझ में आई कि नहीं? ये क्यों भगवान वो जो सुंदर जो मोहिनी रूप धारण करके प्रकाश हुए है उसके पकड़ना सबके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं प्रातः काल में श्याम सुंदर उसी स्वभाव में वशीभूत करे। एक दिन प्रातः काल में मनोहारिणी मन के हरण करने वाले मनोहारिणी अपूर्व सुंदर रमणी का वेश धारण करके विश्वानुदुरारी श्रीमती राधे के घर के प्रांगण में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने मुखकमल को अपने अरुण वस्त्र से ढक रखा था तथा लज्जाजुक्त भाव से अपने नयन युगल को झुकाकर सहसा वहीं खड़ी रहे। श्री रास रात्रि के समय कालिंदी के तट पर गोपियों की सभा में श्री कृष्ण ने अपनी प्रायज शिकार की है। न पारेहं निर्बद्धं संयुजाम इस श्लोक में प्रतीका जे मूल ध्वनि उदित हुई थी श्याम सुंदर उसी भाव से विवाहित है, है? जे राशलामेश्वर सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करें ये कृष्ण गोपी सभा में अर्थात गोपियां जब कृष्ण रास से अंतर्धन हुई और इसके पश्चात गोपियां कृष्ण के सर्वत्र ढूंढते ढूंढते हैं नहीं मिला तब यही जमुना पुलिन में आकर के है सभी जो है कृष्ण के अत्यंत विरह भाव से उनकी लीलाओं की कथा जो है सुस्वर से कीर्तन करने लगे, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। और इसके पश्चात कृष्ण रह नहीं सके है और कृष्ण वह गोपी समाज में पुनः प्रकटित हुए।
उस समय गोपियाँ कृष्ण के अपने आसन भी दिया है, धूल धूसरित ओसु जल के द्वारा सिक्त जो चुंदरी जो है और उसके ही आसन के रूप में कृष्ण के दिया। कृष्ण उस आसन में भी बैठे। उस समय कृष्ण के एक जो माधुर्य श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद है भी वर्णन किया, तासां अभिरसौरी स्मयमानु मुखाम्बुजम, इस श्लोक के द्वारा भी वर्णन किया। इसके पश्चात गोपियों के साथ कृष्ण के वार्तालाप हुई, कथोपकथन होने लगे, कन्वर्सेशन होने लगे है। उसमें सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप में इसमें वर्णन किया है। कुछ गोपियाँ जो है कृष्ण के सन्निकट में आए और कुछ गोपियाँ जो है कृष्ण से थोड़ी दूर रह करके होठों के दांतों के द्वारा काटते हुए और तिरछी नजरों के द्वारा है गोविंद के हृदय को मानो बिंधने लगे है। ये समस्त वर्णन है। जो समस्त गोपियाँ कृष्ण के सन्निकट में आए, कृष्ण के अंग स्पर्श आदि किया, वो समस्त चंद्रावली के दल बताया गया। और जो समस्त गोपियाँ थोड़ी सी दूर कटाक्षपात करते हुए और दांतों के द्वारा होठों के काटते हुए जब खड़ी थी, वो समस्त क्या सपक्ष यानी राधा जी के पक्ष सब है, इसके द्वारा ही प्रमाणित किया गया। इसके पश्चात कृष्ण के साथ गोपियों की जो अनेकों कथोपकथन हुई, मन कौन संलाप हुई, वार्तालाप हुई, प्रेम के बारे में भी पूछा गोपियाँ है। नौ प्रकार प्रश्न गोपियाँ ने कृष्ण की पूछा है। ऐसे एक प्रेम करने पर प्रेम करता है, ये प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो वो प्रेम करता है, ये प्रेम करो अथवा नहीं करो किसी के साथ प्रेम नहीं करता है। और एक आत्माराम आप्तकाम गुरुद्रोही अपराधी और एक होता है अकृतज्ञ। गुरुद्रोही अपराध के एक ही माना जाता है, अकृतज्ञ किए हुए उपकार की जो शिकार नहीं करते हैं उसे कहा जाता है अकृतज्ञ। देख कितने हो गए, सात हो गया है। और एक होता है हेतु, अहेतु भी प्रेम कहा जाता है तो इसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण के जो है बारे में प्रेम के बारे में पूछने लगे और कृष्ण एक एक करके खंडन किया। अंत में है गोपियाँ ये भी प्रश्न पूछने लगे है जे आप हम लोग के कष्ट क्यों दिया है। तो उस समय कृष्ण ने उत्तर दिया, ये देखो वास्तव रूप में आप लोग के प्रेम महात्मा में दर्शन देख रहा था। मिलन अपेक्षा विरह में प्रेम की एक सौंदर्य माधुर्य जो है वो दर्शन होता है। मिलन में शरीर के साथ शरीर मिलन हो सकता है किंतु मन नहीं भी मिलन हो सकता है। समझ में आया क्या बोला है? जब प्रिय और प्रियतम के साथ मिलन होता है, शरीर के साथ शरीर मिलन होता है, मन भी और कहीं चले जाते हैं। किंतु विरह में क्या होता है, शरीर से दूर रहने पर भी मन के द्वारा दोनों की मिलन हो जाता है। शरीर हमारे स्थूल है और मन क्या है, सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म वस्तु की आनंद जो है वो अधिक होता है। वास्तव रूप में देखा जाए स्थूल शरीर के द्वारा हम आनंद उपभोग नहीं करते। आनंद उपभोग जो होता है वो मन के द्वारा ही होता है। मन सूक्ष्म है इसलिए ये समस्त बहुत
तत्व सिद्धांत आदि बताया है। तो इसलिए कृष्ण गोपियों के निकट यह प्रश्न करने लगे, यह कहने लगे, देखो वास्तव रूप में आप लोग के छोड़कर के मैं कहीं नहीं गए है, आप लोग के प्रति किसी प्रकार द्रोह करना ये भी मेरा भावना भी नहीं है। द्रोह समझते हो है, मैंने आप लोग के कष्ट देना है, ये मेरा मन की भावना नहीं है, है? मैं आप लोग की ये वास्तव प्रेम को मैं देखना चाहता था है? वास्तव प्रेम जो है तब प्रकाशित होता है विरह दशा में है। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी लिखते हैं है? गुरु की अप्रकट और प्रकट लीला की वैशिष्ट्य बताते हुए, ये प्रकट के समय तो देखा जाता है कौन किस प्रकार सेवा आदि करते रहे, कैसे उनकी भावना है, हो सकता है उसमें कोई क्या बोले कपटता भी रहता है, मेरा नाम जस हो जाता है, किंतु गुरु अप्रकट लीला आदि करके तब दूर से देखते हैं, गुरु देखते हैं ये हमारे प्रति कितने प्रेम प्रीति है और उसको देखते हैं। बहुत सुंदर रूप में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उसको वर्णन किया है। महापुरुषों की व शुद्ध भक्ति की अप्रकट के बारे में उन्होंने ये दिखाया, क्योंकि जब सान्निध्य में निकट में रहते हैं और दूर रहते हैं, ये दोनों में विशेष वैशिष्ट्य भी दिखाया जाता है। इसके पश्चात कृष्ण ने अपने मुख मुखारविंद से गोपियों की प्रेम महात्मा भी कहा है। उसमें स्वयं कहने लगे, ये वास्तव रूप में मैं आप लोग के प्रेम की ऋणी मैं हूँ। गीता में जब जद भी कृष्ण ने कहा दिया क्या, ये यथा मंग प्रबद्धन्ते सा तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुषा पार्थ सर्वस्व है, जो जिस प्रकार मेरे चरण में शरणापत्ति हो जाते हैं है? मैं उनके प्रति उसी प्रकार ही उसके जो है प्रेम आदि व उनके विचार स्नेह आदि मैं ग्रहण कर लेता हूँ, उनके जो कुछ भी दिए हुए है। जे यथामंग प्रबद्धन्ते, उनकी शरणागति के ऊपर ही सब निर्भर करता है, जितने परिमाण शरणागति है उतने परिमाण मैं भी उनके प्रति प्रेम प्रीति करता हूँ। अरे भागवत में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, न पायंग निर्बद्धम सर्जन स्वसाधु कृत विभुद विशापी वो जामा दुर्ज गृह श्रृंखल संघ विश्व प्रतिजातु साधुना है। भागवत में इसमें कहते हैं, हे गोपियों आप लोगों की जो प्रेम महत्व जो है न भूत न भविष्यते है, आप लोग मुझे सर्वस्व देकर के भी है तब भी ये सोचते जी हम कुछ नहीं दिया है। बोले प्रेम की यही लक्षण होता है, सब कुछ देते हुए पर भी ये सोचते हैं मैंने कुछ नहीं दिया है, और कोई सामान्य कुछ दे करके कहते हैं बहुत कुछ मैं दे दिया है। एक करोड़पति एक रुपया मानो मंदिर में चढ़ाया है, है? और चढ़ा करके क्या करते हैं, कहते मैंने कितना दे दिया है, देते हैं है? बहुत लोग की ऐसी इच्छा है, अपने नाम जस आदि रखना चाहते भी है, है?
इस कमरा में मैंने बनाया, इस कमरा में कमरा समझते हैं एक जो मैंने इसमें मेरे एक प्लेट लगा दो, लगाते हैं ना प्लेट, प्लेट किस लिए लगाते हैं? अपना स्मृति के लिए। मैंने इस कमरे को पैसा दिया, उसमें लिखा रहता है इस कक्ष की जो अनुदान जो है इस व्यक्ति ने दिया, सप्रेम भेंट किया है, लिखा रहता है उसमें है, लिखा रहता है। जब वो आते हैं तब अपने सारे परिवार को और सबको देखो इस कमरे को मैंने दान दिया। अच्छा है, है कि नहीं? किंतु भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं ये मेरे हृदय में ऐसी भावना नहीं है। मैं कह नौ पारंग निर्बंधम संयोग साधु कृत, आप लोग की जो प्रेम की जो ये है इसके लिए मैं अपने को ऋणी मानता हूँ। भागवते अपन आके कृष्ण कहे ऋणी, कृष्ण अपने को ऋणी मान रहे प्रेम और अपने आप को झुका रहे हैं। इसलिए कृष्ण कहेगा नौ पारंग निर्बंधन क्यों, इस श्लोक में जो वर्णन होते जा रहे हैं कृष्ण स्वयं कह रहे हैं गोपियों की प्रशंसा करते हुए ये आप लोग सर्वस्व देकर के भी कभी अपने को नहीं सोचे ये मैंने कुछ दिया है, यही तो होता है प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट्य होता है। इसलिए गीता के गीता में जो ये यथामन प्रबोधन्ते और यह श्रीमद् भागवत में गोपियों की प्रेम की महात्मा दिखा रहे, गोपी प्रेम की सर्व उत्कर्षता है यही तो दिखाया गया। और कृष्ण यथार्थ कह रहे हैं ये मेरे हृदय में इतना प्रेम नहीं है, आप लोग के हृदय में जो है, क्यों? कृष्ण विषय विग्रह होने के नाते, विषय विग्रह दी ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन लव, कृष्ण विषय विग्रह होने के नाते वास्तव रूप में आश्रय विग्रह की जो प्रेम के जो महत्व है उसको वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण इसके कह रहे हैं न पारे हो निर्बदम संजुजाम, इस श्लोक के द्वारा प्रीति के जो मूल ध्वनि उदित हुई थी श्याम सुंदर उसी भाव को विवाहित है। प्रस्तुत प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में नायक नायिका के इन्हीं भावों का ध्वनि अथवा प्रतिध्वनि का विशेष वर्णन है, जो हम प्रेम संपूर्ण जी वर्णन करते जा रहे हैं यही प्रतिध्वनि होते जा रहे हैं। ये वास्तव कृष्ण जो गोपियों की प्रेम के ऋण में कैसे ऋणी है वह उनकी मुखारविंद से सुनना चाहते, किसको? गोपियों की मुखारविंद है। कृष्ण तो कहा दिया है ये न पा रहे हम, इस श्लोक को तो कह दिया या आपको ऋण को मैं कभी चुका नहीं सकते, किंतु गोपियां जो है उसको किस रूप से धारण किया, कैसे समझा उसको, वो कृष्ण सुनना चाहते हैं जिस प्रकार शिक्षक है टीचर विद्यार्थियों के पढ़ाया और पढ़ा करके क्या करते हैं, उस विद्यार्थी के मुख से सुनना चाहते हैं तुम कैसे क्या समझा, कहाँ तक समझे है, आया समझ में? बोले मैंने जो आप लोग के जो सुनाया है विद्यार्थी को सुनाया, आप लोग कैसे उसके आप लोग के समझ में आया वो हमें सुनाओ है। तो कृष्ण उसी प्रकार अपने तो कहा दिया नौपारायण निर्बंधम, इस श्लोक तो कहा दिया, किंतु उस श्लोक की मूल वक्तव्य जो है भाव जो है कृष्ण गोपियों के मुखारविंद से सुनना
चाहते हैं, है इसलिए कहते हैं प्रस्तुत प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में नायक नायिका के इन्हीं भावों के ध्वनि प्रतिध्वनि का विशेष वर्णन है। निसंकोच रूप में प्रणय मान से उदित गर्वपूर्ण भाषा के श्रवण की लालसा यह श्री कृष्ण के द्वारा रमणीवेश धारण करने का हेतु है। ये कृष्ण ऐसे सुंदरी रमणी के वेश धारण करके क्यों आए हैं, जिससे जो है गोपियाँ निसंकोच से उन्हें संकोच नहीं करके है ये प्रेम की क्रिया आदि को स्नेह मान प्रणादि को वो वर्णन करें है। आसमें ये सर इस कारण है, जैसे एक स्त्री अपने स्त्री के निकट अपने समस्त गोपनीय तत्व के वो बताती है, पुरुष के पास वो संकोच करती है। हाँ समझे, जैसे एक लड़की अपनी सहेली के पास वो सब कुछ बताई, हो सके अपने माता पिता के जो नहीं बताई है वो अपने सहेली को बता देते हैं, अपने भाई के नहीं कही है। देखो कहीं की ऐसे गोपन तत्व जो है वो दूसरे के से नहीं करके अपने हृदय की कथा कहाँ बताते हैं, अपने सहेली के पास। इसलिए श्री कृष्ण वह प्रेम की महत्व जो है स्नेह मान प्रण राग अनुराग जो कुछ भी है उनके हृदय में जो है किसके हृदय में, राधा जी के हृदय में है, वो समस्त कथा को जो है कृष्ण सुनने के लिए स्त्री वेश धारण करके आए। क्योंकि आपकी ग्रंथ की पहली श्लोक में ये कहना चाहते हैं ये कृष्ण स्त्री वेश धारण करके क्यों आई है, कृष्ण के रूप में राधा कृष्ण जी के रूप में राधा जी के पास तो सदा सर्वदी रहते हैं है? हाँ समझे, और राधा जी तो अपने कृष्ण के अपने ही मानते हैं है? तो फिर कृष्ण स्त्रीवेश धारण करके आने के कारण क्या है ये भी बता रहे हैं, समझ में। तो इसलिए हमारे ग्रंथाकार ने यह कहते हैं ये निसंकोच रूप में प्रणय मान से उदित गर्वपूर्ण भाषा की श्रवण की लालसा से ही यहाँ श्री कृष्ण द्वारा रमणी वेश धारण करने का हेतु है, है? अनंत रमणी वेशधारी श्री कृष्ण का दूर से ही दर्शन करके विशोभानंदिनी श्रीमती राधिका अपने प्रिय सखी ललिता को संबोधित करती हुई कहने लगी अरे सखी ललिते देखो देखो यह रमणी कौन है, इसके मुखकमल की कांति कमल की शोभा का तिरस्कार कर रही है, यह विचित्र प्रकार के अलंकार से विभूषित है और श्याम अंग कांति छटा से हमारे भवन के प्रांगण को प्रकाशित कर रही है, ऐसे प्रतीत हुआ के मानो हमारा सारा भवन इंद्र नील मुनि से मंडित हो रहा है, है? राधा जी वो समझ क्या बोले कृष्ण जो नारी वेश धारण कर स्त्री वेश धारण करके आए उसकी सौंदर्य की प्रकाश वर्णन कर रहे हैं। वास्तव रूप में कृष्ण
कृष्ण वेश में जितने सुशोभित होते हैं और ये कृष्ण नारी वेश धारण कर स्त्री वेश धारण कर उसके सुंदर जो माधुर्य और भी एक विशेष स्वरूप प्रकाश हो जाता है, है? ये दिखा दिया है। जैसे कृष्ण मोहिनी रूप धारण करके है और देवता और असुर के सभा में आकर के वो क्या अमृत पान कराया, देवताओं को अमृत पान कराया, असुरों को वंचित किया। किंतु उस समय जो मोहिनी रूप धारण जो किया था है वो एक अपूर्व था, है वास्तव रूप में ही है। कृष्ण यदि स्त्री वेश धारण करे है कृष्ण की उस समय जो स्त्री वेश की सौंदर्य माधुर्य था एक अलौकिक होता है, अपूर्व होता है। तो इसीलिए संग राधा जी लोकलीला के अनुसार है संग राधा जी अपने सखी ललिता को जो है बुला करके कहा देखो ये कौन आई है, है? तब ललिता और विशाखा अपनी सखी राधा जी को बात सुनकर अति शीघ्र नारी वेशधारी श्री कृष्ण के सम्मुख पहुंची और कहने लगी अरे कृष्णधरी तुम कौन हो। कृष्णधरी माने कृष्ण उदरी कृष्णधरी, कृष्ण माने पतली कमर वाली कृष्णधरी कहा जाता है जिसके कमर थोड़ा पतली होती है, है? जिसको कहा जाता है कृष्णधरी। तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, तुम्हारे इस स्थान पर आने के प्रयोजन क्या है, है? किस लिए आए? इन सब प्रश्न का उत्तर देकर तुम हमारे कौतूहल को दूर करो, है? किंतु यहाँ आई हुई इस रमणी उनके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, है? कृष्ण जो नारी वेश धारण करके वहाँ पर खड़ी नतमस्तक होकर के वो कोई उत्तर नहीं दे रहे। ललिता विशाखा तो उनको प्रश्न पूछने लगे, है? कोई उत्तर नहीं दे, है? क्यों कृष्ण उतिब चालक है ना, है? इसलिए ललिता विशाखा आदि कृष्ण उनके तो ये प्रश्न पूछने लगे, है? ये आपके कारण आने के कारण क्या है, है? कहाँ से आई है, है? हमारे हृदय में कौतूहल हो रहे इतने सुंदर जो रूप है जिसके आपकी अंग कांति से सारे अंगन कैसे इंद्र नीलमणि की स्वरूप सौंदर्य माधुर्य के भी प्रभावित करने वाले हैं। शिक्षकों के प्रश्नों पर उस रमणी के निरुत्तर देखकर राधा जी और भी कौतूहल वशत मन ही मन विविध प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए रमणी वेशधारी कृष्ण के समीप आ गई और पूछने लगी। ललिता विशाखा ने तो प्रश्न पूछा कहाँ से आई है, बार इधर आने के प्रयोजन क्या है, है? जब ये प्रश्न ने उत्तर नहीं दिया है तब राधा जी और सन्निकट में आ गए, निकट में आई है। राधा जी निकट में आकर के है रमणी वेशधारी श्री कृष्ण के समीप में आकर के प्रश्न कर पूछने लगी। अभी राधा जी पूछ रही है तब तो ललिता विशाखा ने पूछे है, फिर अभी कौन पूछ रहे हैं, राधिका राधा जी पूछ रहे हैं। हे सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारे अंग कांति से हम लोगों का मन का अपहरण कर लिया है, क्या तुम कोई देवकन्या हो, है? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस जगत की अखिल शोभा की मूर्ति धारण करके हमारे सामने उपस्थित हुई है।
हैं। देखो राधा जी कितने प्रेम प्रति से पूछने लगे हैं, फिर भी उस रमणी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, केवल नतमस्तक होकर के और नीचे की तरफ दृष्टिपात करते हुए खड़ी रही है। तब श्री राधा जी ने पूछने लगी, अरे भामिनी सुंदरी स्त्री है, यदि तुमने यहाँ आगमन किया है तो शीघ्र अपना परिचय देकर हमारी उत्कंठा को दूर करो। अरे लज्जाशीले, तुम्हारे सामने ये हमारे सामने तुम लज्जा या शंका मत करो, तुम अपनी अंतरंग सखी है, हमें तुम अंतरंग सखी ही समझो। किसी राधा कितने सुंदर रूप में उनकी प्रीति के साथ प्रश्न करने लगे, है ये तुम अपने हृदय के जो है प्रकाश करो और मुझे क्या समझो अपने अंतरंग सखी। जैसे मैंने पहले ही कह दिया, साधारण रूप में स्त्रियां जो है, लड़कियां जो है, ऐसे कुछ गोपनीय तत्व जो है अपने माता पिता के नहीं कहते हैं, किंतु अपने अंतरंग सखियों के निकट व्यक्त कर देती है। इसलिए राधा जी स्त्री वेशधारी कृष्ण को पहले क्या कर लिया, तू मेरा अंतरंग सखी हो है। अभी तो बताएंगे, चलो श्री राधा जी के इस प्रकार के वचन सुनकर भी रमणी वेशधारी श्री कृष्ण दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कोई अनुवचनीय अभिनय करने लगे और अपने मुख कमल को घुमाकर मौन हो गए। है कृष्ण कितने एक्सपर्ट है, पारदर्शी है कृष्ण है, जो कि मानो हृदय में कुछ एक ऐसे दुख वेदना हो रहा है, इससे दीर्घ सांस ले रहे हैं और अपने मुखर कमल के दूसरी तरफ घुमा करके है कहने लगे, राधा जी रमन की उस अवस्था को देखकर पुनः उनसे कहने लगी, हे सुंदरी निश्चय तुम्हारे हृदय में कोई वेदना है, ऐसे मैं समझ रही हूँ, यदि वेदना नहीं होती तो तुम्हारा ऐसे भाव न होता है, क्योंकि वो दीर्घ सांस जो है, और स्त्री वेशधारी कृष्ण दीर्घ सांस है त्याग करने लगी है, ऐसे जैसे हृदय में कुछ ऐसे कष्ट अनुभव हो रहा है, हे पद्मानने अर्थात कमल के समान मुखवाली, अपनी इस वेदना को निसंकोच होकर के स्पष्ट रूप से हमें कहो, क्या हुआ तुम्हारा हृदय में बताओ, तुम हम पूरा विश्वास रखो तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए मैं यथासाध्य चेष्टा करने में त्रुटि नहीं करूंगी, विशेषतः आंतरिक विषाद रूप गांव के एक गांव के पग जाने से उत्पन्न असहनीय यातना से अंतरंग सुहित के समीप प्रकाश करने पर उद्वेदना का उपशम होता है। यदि आपके हृदय में कोई दुख हो, वो दुख के किसके निकट प्रकाश करोगे, अपने अंतरंग मित्र के पास है जो समझ सके है। इसलिए चैतन्य महापुरुष की लीला में भी दिखाया जाता है, स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में विवाहित होकर के विरह की इतने अनुभव कर रहे हैं, राधा जी की जो विरह, उस विरह के चैतन्य महाप्रभु कैसे अनुभव कर रहे हैं,
नहीं, उस विरह की कथा किसको बात व्यक्त करते हैं? स्वरूप दामोदर राय रमन, दूसरे के पास नहीं। क्योंकि स्वरूप दामोदर राय रमन वो महापुरुष के भावों के जानने वाले हैं, हृदय को जानने वाले हैं। जो हृदय के भाव जानने वाला है उसके निकट बोलो, जो जानते ही नहीं है उसके निकट क्या बोलोगे? एक राजपुत्र झोपड़ी में रहने वाले गरीब के हृदय को समझ नहीं पाएंगे, उनके हृदय में कितने कष्ट है कि नहीं? क्योंकि राजपुत्र वो अनेक प्रकार भोग सामग्री ऐश्वर्य में वो रहे, और झोपड़ी में रहने वाले जो बालक जो है कितने कष्ट धूप बरसात आदि में। वो बालक जो है झोपड़ी में रहने वाले बालक, वो राजपुत्र के निकट अपनी बात कहने पर भी वो समझ में नहीं आएगा, आया समझे? इसलिए एक बंगला में कीर्तन कहते हैं कि जातो ना विषय बुझी वैसे किसे असी विषय दम से नहीं जा रहे। बोले सांप काटने से सांप की जहर शरीर में फैलने पर कितना यंत्रणा होता है, कष्ट होता है, वही व्यक्ति समझ सकते हैं जिसके जीवन में कभी सांप काट दिया है। समझे? ठीक है। और जिसको कोई सांप ही काटा ही नहीं है तो कह देंगे सांप काटने पर शरीर में बहुत कष्ट होता है, कैसे कष्ट होता है वो समझ नहीं पाए। फिर कहता है कि जा तो ना विषय असी विषय तरह जन्म से नहीं जा रहे जी। अपने जो कष्ट जो है हृदय के कष्ट वो उसी के निकट व्यक्त कर सकते हैं जो अपने हृदय को जानने वाले कोई हो, है कि नहीं? इसलिए महाप्रभु की भी दिखा रहे है। ये महाप्रभु राधा जी के भाव में विवाहित होकर के प्रेम की जो जाला समझते हो, जाला माने प्रेम की जो उत्ताप हीट कष्ट जाला है, वो दूसरे के निकट व्यक्त करना संभव नहीं है। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो चुका है वही समझ सकते हैं है? जिसके हृदय में प्रेम हुआ ही नहीं वो क्या समझे है? और उनके निकट भी कहें जैसे अंधे के निकट हाथी के वर्णन किया जाता है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद तुलना दिया गया वो पक्खान उपदेश में है। ये जो जन्मांध है उसके यदि कहा जाए भाई हाथी कैसे है, वो हाथी देखा ही नहीं, जन्मांध है। हाथी के जिस अंग पर हाथ लगाते हैं है? है? तो वो सोचते हैं यही श्रेष्ठ है। कोई कानों पर हाथ लगाया, कोई पैरों पर हाथ लगाया है, किंतु जिन्होंने हाथी देखा और उसके निकट हाथी के महिमा वर्णन करे तो अब जो भी तुलना दे वो समझ सकते हैं। जो हाथी देखा ही नहीं है उसके निकट कहने से कुछ लाभ नहीं होता है, उसके सुनने में अच्छा लगता है किंतु वास्तव उसके अनुभव नहीं होता है। तात्पर्य क्या है? जिसके हृदय में प्रेम हो गया उसके निकट प्रेम की महिमा कहो वो समझ सकते हैं। ये प्रेम उत्पन्न होने पर क्या होता है, है? तो उसी प्रकार राधा जी शंकरी है, हे कृष्णधरी हे सुंदरी अपने आंतरिक विषाद रूप घाव पक जाने से उत्पन्न असहनीय यातना को अंतरंग सुहित के समीप
प्रकाश करने से वह वेदना उपशम होता है। अपने दुख के किसके निकट प्रकाश करो, किंतु वो दुख के किसके निकट प्रकाश करोगे, जिसके दुख के बारे में कुछ ज्ञान है, है? नहीं तो हंसी मजाक करेगा। किंतु राधा जी इसलिए कह रही है, ये तुम हमें बताओ, है? क्योंकि राधा जी के समस्त ज्ञान है कि नहीं, पूर्ण ज्ञान है, है? इसलिए राधा जी कह रही है, हमें बताओ, है? क्या तुम इस समय अपने प्रियतम से रहित विरहिणी हो गई हो, अथवा इस प्रियतम के किसी दोष को देखकर अत्यंत संतप्त हो रही हो, अथवा तुमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया जिसके कारण तुम्हारे प्रति तुम्हारे प्रियतम की प्रीति भंग हो जाएगी, इस आशंका के डर से ही डर रही हो, अथवा यद्यपि तुमने इस स्वयं कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी कोई खल व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे कांत के पास मिथ्या अभिमान लगाकर प्रीति को नष्ट करने के लिए चेष्टा कर रहा है, क्या तुम इसलिए उपस्थित व्यथित हो रहे है? काल इस कथा को हम वर्णन करेंगे आगे जाकर, है? अभी शब्द आ रहे हैं ना, है? राधा जी जो जो प्रश्न किया, ये प्रश्न की मंथन करना याद करना उचित है। बहुत प्रेमानंदी सीक्वेंस मैंने क्या बताया, प्रेम करने पर प्रेम करता है, एक हो गया, एक होता प्रेम करे अथवा नहीं करे प्रेम करते हैं, दूसरी हो गया, तीसरी है प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो किसी के साथ प्रेम नहीं करते, तीन हो गया। अभी कह रहे हैं ये चार प्रकार के लोगों के साथ प्रेम करने पर कुछ फल नहीं होता, कौन सा चार हो गया? आत्माराम अप्त काम, गुरुद्रोही व अपराधी, ये एक होता है, और अकृतज्ञ, कितने हो गया? चार, तीन, सात हो गया, और एक होता है हेतु अहेतुक भी, कारण कारण ही में है, तो ये भी दिखाते जा रहे हैं, ये नौ प्रकार की प्रश्न करते हैं। आज में कृष्ण ने सारे प्रश्न के उत्तर दिया, और दे करके अंत में कृष्ण यही श्लोक कहने लगे, ये नौ पारायण निर्बद्धं संयम साधु कृत है, ये श्लोक के कहा दिया है, ऐसा हो जाए।